उसकी नाक काट काटो दुनिया में फिर कोई इसको पूछेगा? इसलिए कोई नहीं पूछेगा। वही फिर द्वापर युग में फिर वही बन करके आती है, ये पुतना बन करके आती है, भगवान उसकी इच्छा को भगवान फिर उसको बन करके आती है, खुबजा बन करके आती है। फिर भगवान राम कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। ये भी एक कारण है। इसका जो छठवां कारण बताए, कल आप लोगों ने देखा था भगवान वामन बन करके बलि महाराज के घर में आए। बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। जब भगवान वामन बन करके आए, बड़े सुंदर प्रभु देखने में थे। अभी जब बलि महाराज की बेटी देख करके इतने मुग्ध हो गई, वो सोच रही है अगर ऐसे मेरा अगर लाला होता ना, तीन बार उसको गोद में लेकर के मैं प्यार करके लाल लड़ाती। भगवान भावग्राही, बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे लाला बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जब भगवान दो पग में सब कुछ ले लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, बोले बलि बड़ा तो ठीक हाँक रहा था, अभी बताओ तीसरे चरण में कहाँ रखूं? उन्होंने गरुड़ को बुला करके नाग खास बंधन में बांध दिए। अभी जो रत्नमाला थी, बल्कि बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ छीन लिया और मेरे पिताजी को बांध भी दिया। वो सोच रही है अगर तू मेरा बेटा बन करके आओगे, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। भगवान बोले कोई बात नहीं, बच्चा भी बन जाऊंगा, अब मैं जहर भी बन जाऊंगा। वही जो थी बन करके आती है, श्री पुतना बन करके आती है, फिर भगवान को गोद में भी लेती है और उनमें जहर भी पिलाते हैं। ये भी एक कारण हो गया। कितना कारण हुआ? कितना हुआ? छह कारण हो गया। हाँ, उसका सप्तम कारण कहते हैं, आप लोग सब रामायण सुने होंगे, जब एक धोबी ने प्रभु राम को ऊपर अंगुल उठाया। एक धोबिन थी, वो गई हुई थी अपना पीहर। जब पीहर से आ रही थी, एक नदी पार करना पड़ता है। हो गया था शाम और रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो रही थी। जो केवड़ था उसने पार कराने के लिए मना कर दिया, बोले शाम हो गया, मैं और पार नहीं करा सकता, बारिश ही हो रही है। अभी वो धोबिन को मजबूरी से एक रात उसकी घर में बिताना पड़ा। जब वो दूसरे दिन आई, पति ने पूछा दूसरे रात तू था कि तो कहाँ थी? बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले जिसको घर में रुकी है ना, वही पर जीवन बिताना। मैं राम नहीं हूं, रावण सीता को उठा करके ले गया। एक साल के बाद में सीता आई और राम ने क्या किया, उनको बराबर आसन दे दिया। मैं राम नहीं हूं। हाँ देखो, रावण जिस सीता को उठा करके ले गया था, वो सीता थी नहीं। वो कौन थी? वो थी माया सीता। वो असली सीता को उन्होंने अग्नि के पास में शरण में दे दिया था, क्योंकि सीता कौन है? ये माँ लक्ष्मी है। उनको स्पर्श करने का दूर बात है, उनको दर्शन भी नहीं कर सकता है रावण, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी स्वयं अगर उनको स्पर्श करता था ना, वही जल करके राख बन जाता। लेकिन वो थी नकली सीता, वो सीता थी नहीं। लेकिन ये धोबी को पता ही नहीं था ये बात। उसने जब ये बात को बताए, हैं ये बात बताने पर जब प्रभु राम को पता चला ये बात, भगवान राम ने क्या किया, उन्होंने सीता को चिरकाल के लिए त्याग दे दी। जब त्याग दे दी, भगवान राम 11,000 साल तक राजत्व किए अयोध्या में। हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो, तभी ये यज्ञ तुम कर सकते हो अगर पत्नी हो, पत्नी के बगैर तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो। वशिष्ठ फिर बोले एक काम करो, तेरे पिताजी तीन तीन शादी किए थे, तू और एक शादी कर ले। लेकिन राम ने क्या बताया, रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए भरो बचन न जाए। राम एक पत्नी को छोड़ करके कभी दूसरे पत्नी को ग्रहण कर ही नहीं सकता है, दूसरे पत्नी को ग्रहण नहीं कर सकता है। बोले और कोई उपाय बताओ, बोले सोने की सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके आप कर सकते हो। बोले ये तो कर सकता,
भगवान 11,000 साल तक राजत्व किए, हर साल एक एक यज्ञ किए और एक एक सोने की सीता बनी। वशिष्ठ जी प्राण संचार कर देते तो वो साक्षात सीता बन जाती थी। बोले इतने सीते सब गए ना, बोले ये सब के सब कृष्ण अवतार में ये सब के सब गोपी बन करके आए और भगवान कृष्ण ये सब तो भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया। बोले ये भी एक कारण है। कितना कारण हो गया, कितना हो गया? अभी 10 नहीं हुआ है, 7 हुआ है। अभी इसका 8वां कारण बताए। बोले जिस समय भगवान राम जनकपुरी में जाते हैं, अपना गुरु जी से प्रार्थना किया, बोले गुरु जी थोड़ी सी ये जनकपुरी दर्शन करके आए। गुरु जी बोले दर्शन करना नहीं, सबको दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किए, क्या सुंदर जोड़ी, ऐसे लग रहा था मानो एक साथ में चंद्र और सूर्य और एक साथ में प्रकट हो गए। अभी जिसी गली में जाए, जो एक बार देख लेना रूप को, वो निहाल हो जाए और पूरा जनकपुरी में हला कर देती है। बोले क्या सुंदर तो बालक आए, एक श्याम रंग के और एक गौर रंग के, एक पीतांबर पहना और एक नीलांबर पहने, और गली गली में उनकी जय जयकार हो रहा था। बोले श्री राम लक्ष्मण की, जोर से जयकार लगा। बोले श्री सियावर रामचंद्र की। अब जिस गली में जाए उसी गली में जय जयकार। इतने में जितने सब कुंवारियां थी ना, कोई छत के ऊपर से, कोई झरख से प्रभु का दर्शन कर रहे थे, और जो छत के ऊपर में केस सुखा रही थी वो झांक झांक करके देख रहे थे। लेकिन भगवान राम का एक नियम था, वो कभी सर उठाकर कभी नहीं देखते थे, हर समय अपना सर को नीचा करके चलते थे प्रभु राम। और छत के ऊपर में जो कुंवारी आती ना, वो प्रभु का दर्शन कर ले के लिए आवाज कर ऐसे कर रहे थे, मतलब प्रभु थोड़ी सी देखे और प्रभु का दर्शन हो जाए। लक्ष्मण कौन है? कहती है गुरु है। बोले गुरु का काम क्या है? बोले जीव को परमात्मा से मिलाना, ये गुरु का काम है। लक्ष्मण प्रभु राम को बोले, बोले प्रभु जी थोड़ी सी सर ऊंचा करके देखो। राम बोले नहीं, ये मायापुरी, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सीधा चलो और सर को नीचा करके। लेकिन जब कुंवारी तक खास रही थी है, लक्ष्मण बोले प्रभु एक बार दर्शन करना, एक बार सर को उठाओ। जब भगवान एक बार सर को ऊपर उठाए, वो छत के ऊपर जितने कुंवारियां थी ना, एक बार दर्शन की तो सबके सब बेहोश हो गए। जब उनकी होश आई, सबके सब राम को पीछे बढ़ गए, बोले प्रभु हमसे ब्याह कर लो। राम ने कहा लक्ष्मण तू देख लिया, पहले तेरे को मैं मना कर रहा था, देखो अभी अब क्या कर। राम ने कहा देखो ये रामावतार में एक सीता के सिवाय हमें किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम सबके सब श्री द्वापर युग में गोपी बन करके आओ और तुम्हारी सारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तब वही के सबके सब गोपी बन कर देखो यहाँ पर सिखा देते हैं ना, हमारा जो बांके बिहारी है ना, वो ऐसे के ठाकुर है, वो किसी को छोड़े नहीं। प्रभु किसको, कोई कुबड़ी भी आ गई, कोई पापी भी आ गई, कोई तापी भी आ गई, कोई राक्षसी भी आ गई, लेकिन ये कन्या ऐसे के ठाकुर है, क्योंकि कृष्ण सोलह कला में कृष्ण परिपूर्ण है, इसलिए ये परिपूर्ण होने का नाते ये सबको ये ग्रहण कर सकते हैं। इनके अंदर में ये शक्ति है, किसी रूप में भी आ जाओ केवल ठाकुर के पास में, इतना बोल दो हे प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, बस इतना बोल दो, कन्या तुम्हें स्वीकार कर लेगा, कन्या तुम्हें स्वीकार कर लेगा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। कितना गान हो गया? 8वां गान हो गया ना। कहते 9वां गान कहते हैं, बोले एक समय वैकुंठ से भगवान की चरण तुलसी और चंदन की खुशबू ये वैकुंठ से बहते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचा। ये ब्रह्मा का चार मानस पुत्र थे, सनत सनंदन सनातन और श्री सनत कुमार। ये पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान को निराकार निराकार बोलते थे। लेकिन जब ये तुलसी की सुगंधी वहां पर पहुंचे और इनका नासिका में प्रवेश किया,
वो एकदम उन्माद हो गई। ब्रह्मा जी से पूछे, पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है? बोले, बच्चों ये ब्रह्म लोक से आ रहा, वैकुंठ से आया है, ठाकुर जी के चरण तुलसी की सुगंध है। बोले, पिताजी जिनकी चरण तुलसी की इतना सुंदर है वो कितने सुगंध नहीं होगी? बोले, हाँ बच्चे ये बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं, बड़े सुंदर ये ठाकुर जी। बोले, पिताजी थोड़ी सी उनको दर्शन करके आए। बोले, कोई बात नहीं, जाओ दर्शन करके आओ। ब्रह्मा जी को पता है तब तक ये भगवान को निराकार निराकार कहते हैं। बोले, कब तक? बोले, जब तक ये प्रभु का दर्शन नहीं करते। अगर प्रभु का दर्शन करे ना, देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले भगवान को ये जीव ब्रह्मा ब्रह्मा कहता है जब तक ठाकुर का दर्शन नहीं कर लेता। और ठाकुर जी का दर्शन करते ही ना वो अपने आप जो ब्रह्मा सुख है वो अपने आप उसको हृदय से खत्म हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों जाओ एक बार प्रभु का दर्शन करके आओ। 7 दरवाजा पार करने पर ठाकुर मिलेगा, 6 दरवाजा तो पार हो गए। जब 7वें दरवाजा में प्रवेश करेंगे वहां जय और विजय खड़े हुए थे। नंगे धड़के जा रहे थे, किसी बिना पूछे इतने उन्होंने छड़ी को रोक दिया। बोले, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं ठाकुर अभी लक्ष्मी को साथ में किस रूप में होंगे नहीं होंगे, बिना पूछे अंदर में जा रहे हो। इतना बोलते ही जैसे सोए हुए सर्प को छेड़ दिया हो। चतुर्सन को इतना क्रोध आया। बोले, ये वैकुंठ लोग है। वैकुंठ मतलब क्या? जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा द्वेष छल कपट, जहाँ पर कोई डर भय नहीं। और हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को पूछने का जरूरत है, जाओ हमें, मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओगे। इतना बोलते ही रोने लग गए। प्रभु जी सुन करके अंदर से निकल कर के आए। बोले, क्या बात? बोले, प्रभु जी ऐसे ऐसे भगवान ने कहा, देखो अगर तू मेरे भक्त बन करके जाओगे ना, 7 जन्म के बाद में आओगे। अगर मेरे वैरी बन करके शत्रु बन करके जाओगे फिर 3 जन्म के बाद में आओगे। बताओ क्या चाहते हो? बोले, प्रभु हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी आपका चरण में आ जाए। बोले, जाओ राक्षस बन करके जाओ। पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए। भगवान वराह और नरसिंह अवतार में उनको उद्धार किया। दूसरे अवतार में ये रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। भगवान रामावतार में इनको उद्धार किया। और तीसरे अवतार में ये शिशुपाल दंत वक्र बन करके आए। फिर हमारे से वाक्य बिहारी इनको उद्धार करते हैं। जब कृष्ण को हाथ में मरे ना तभी इनको मुक्ति मिली, नहीं तो इनको मुक्ति नहीं मिली। इसलिए ये एक कारण है भगवान कृष्ण अवतार में, क्यों कृष्ण अवतार में आए। कितना कारण हो गया? कितना कारण हुआ? 9 कारण हो गया ना। अभी 10वां कारण बताते हैं, भगवान जगत में क्यों आते हैं। भगवान कृष्ण गीता में इनकी एक प्रतिज्ञा है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्य। मेरे को जो जिस रूप में उपासना करता है मैं उसको ठीक उसी का अनुरूप प्रेम प्रदान करता हूँ। ये कृष्ण की प्रतिज्ञा। लेकिन ये प्रतिज्ञा कब टूटे? जब भगवान कृष्ण सतकर्ण गोपियों के साथ में रास कर रहे थे। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। जब प्रभु रास कर रहे थे उसी समय भगवान गोपियों को कहते हैं, बोले, हे गोपियां
मैं ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी तुम लोगों का ऋणी से कभी मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने सब कुछ छोड़ करके दुनिया की सारे बंधन को तोड़ करके तुम लोगों ने मेरे को प्रेम किए हो, तुम्हारी ऋणी में कभी नहीं उतार सकता। इसलिए भगवान यहाँ पर गोपियों को ऋणी से ऋणी होने के लिए भगवान ये बात को उन्हें बताए, इसलिए प्रभु जगत में आए, ये शिक्षा देना चाहते हैं। ये गोपियों को प्रेम में जैसे मैं बसीभूत हूँ और किसी के प्रेम में इतना बसीभूत नहीं हूँ, इसलिए भगवान इसी जगत में आए और प्यारी प्यारी प्रभु ने लीला किए है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कल हम लोग ने श्रवण किया था कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए। आपको एक नई कथा सुनाऊंगा, पता नहीं आप लोग भागवत तो बहुत सारा सुने होंगे, सुने हो पहले भागवत, कौन कौन पहले सुने हो भागवत। आपके आज एक नई कथा सुनाऊंगा कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म होते हैं। आप लोगों ने सुने हैं कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में कैसे जन्म प्रकट हुए, आज आपको हम सुनाएंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंदक लाला बन करके आते हैं। कहते श्री नंद जी का जो पिताजी उनका नाम से परिजन बाबा, कहते इनके पांच बेटे थे उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन, ये पांच बेटे उनके। पहले ये नियम होता था जैसे चार आश्रम है, पहले ब्रह्मचर्य, पहले सबके सब गुरुकुल में 25 साल पढ़ने जाते थे, उसको बाद में फिर गृहस्थ, उसको बाद में फिर वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास। नियम है हर जीव को ये चार आश्रम पालन करनी चाहिए, नहीं तो जीव को मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, जैसे अभी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हाँ, पढ़ाई करते हैं, पहले सबके सब गुरुकुल में जाते थे, गुरुजी सबको शिक्षा देते थे वेद पुराण उपनिषद। जब 25 साल के बाद में गुरुजी प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ अभी क्या करोगे, अभी संसारी बनोगे ना भजन करोगे गुरुजी का आश्रम में। जिनको ये ज्ञान होता था ये मानव शरीर भगवान बारम्बार नहीं देते हैं, बड़े भाग मान सतन बाबा, ये 84 लाख जन्म के बाद में ये जीवन मिलता है, बारंबार ठाकुर नहीं देते हैं। और ये मानव शरीर नहीं, इसी जीवन में ही जीव प्रभु को भक्ति करके ये जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त होकर चले जाते हैं। जिसको ये ज्ञान हो जाता था, कहते थे गुरु जी मैं तो आपका चरण में रहते हुए मैं तो प्रभु की भक्ति करते करते मुक्ति के मार्ग को मैं प्रशस्त करना चाहता हूँ। लेकिन जिनको बहुत ही संसार की इच्छा होता था, संसार के बगैर शादी बगैर रह नहीं सकते, गुरु जी बोलते थे बेटा जाओ घर में जाओ, लव मैरिज नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना। कैसे मैरिज करना, पिता माता जैसे तुम्हारी कुल मर्यादा का अनुरूप जहां पर शादी देंगे वहीं पर ही शादी करना है। पहले तो एक नियम था ना, आप लोगों ने जब शादी की पत्नी को देखने के लिए कोई गया था, कोई नहीं जाते थे। पहले पिता माता जहां देख करके शादी कर देते वहीं पर आंख बंद करके शादी कर लेते थे, देखना बड़ी अच्छे तरह से चल जाती है। लेकिन अभी ऐसे नहीं, पहले उसको फोटो दिखाओ, ऐसे नहीं काली उसको गोरी तो नहीं बना दी, कितने लंबी तोतली तो है नहीं, बात करेंगे बोले कुछ दिन उसको साथ में घूम करके आते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने लिखाई पढ़ाई, लेकिन इतने करने का बावजूद भी शादी नहीं टिकती है, शादी नहीं टिकती है, फिर क्या हो जाता है डाइवोर्स हो जाते हैं। लेकिन पहले कैसे होता था, पिता माता जैसे, इसलिए गुरुजी कहते थे जाओ बेटा मन मर्जी शादी नहीं, पिता माता की इच्छा से शादी करना और दोनों मिलकर के क्या करना, भजन करना। उसके बाद में कहते गृहस्थ, इसको कहते गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब क्या, ऐसे नहीं शादी करके भोग में मस्त हो जाओ, नहीं, जब शादी होती है सालग्राम को साखी करके शादी होता है, उसमें मंत्र ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं, बोले हे सालग्राम इसलिए हम शादी कर रहे हैं, ये घर तेरा घर है। जैसे पति क्या करता था, बाहर काम करने जाता है, अभी घर को कौन देखेगा, ठाकुर को सेवा कौन करेगा, ठाकुर को पूजा कौन कराएगा, ठाकुर को भोग कौन लगाएगा, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं आज से हम दोनों पति पत्नी हे सालग्राम तुम्हारी सेवा के लिए हम शादी कर रहे हैं, सेवा के लिए शादी कर रहे हैं। इसलिए स्त्री का नाम है पत्नी, पत्नी मतलब क्या,
मतलब होता है हाँ पतन, ती मतलब पति को जो पतन होने नहीं दे, वह सह धर्मिणी जो पति के धर्म में मदद करे। कौन सा धर्म है? भक्ति धर्म है, प्रभु की भक्ति धर्म में। बोले कब तक संसार करोगे? कभी ये गृहस्थ 50 साल तक, उसको बाद में नहीं। इसलिए देखो ये भागवत में बताया 50 ऊर्ध्व बनम ब्रजत, मतलब 50 साल के बाद में शास्त्र कहता है घर में मत रहो, मना करता है। देखो अंक क्या होता है, आप लोग बताओ तो 50 के बाद में कौन सा अंक आता है? एकावन मतलब घर में नहीं, वृंदावन जाओ भजन के लिए। बावन बन शब्द है, बन जाओ। चौवन क्या शब्द आता है? बन मतलब घर में नहीं, शास्त्र मना करता है। 25 साल तक ही गृहस्थ धर्म, उसको बाद में मना किया शास्त्र है घर में मत रहो, घर छोड़ करके। ये मानव शरीर तुम्हें जिस काम के लिए मिला है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही मानव शरीर, और किसी काम के लिए नहीं। इसलिए जाओ वृंदावन में जाओ भजन करो। अगर भजन नहीं किया तो कहते 68 60 61 62 बोले 60 बन जाओ, फिर तुमसे कुछ होने वाले नहीं। बाबा उस दिन एक बात कर रहे थे, जब बांस कच्चा होता है ना, वो जिधर टेढ़ा कर दो पक जाए तो वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसे कहते 60 60 60 है, इसलिए 60 हो जाओगे। हाँ तुलसीदास एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए 69 70 71 72 कैसे? बोले गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं उनका भी कल्याण हो सकती है अगर जीवन में सत्संग मिल गया। अगर जीवन में उनको संतों का संग मिल गया तो सठ भी सुधर सकते हैं, लेकिन केवल सत्संग से। इसलिए देखो एक चीज समझो, देखो हम संत हैं, हम तो जितना दूर हो सकते हैं आपके कल्याण की बात करेंगे। हाँ कैसे भजन करिए, ऐसे नहीं आपके मनोरंजन की बात हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे जैसे इसी जीवन में भी सुखी रहो और उसको बाद में भी सुखी सुखी रहो, उसको बाद में भी सुखी रहो। हम आपका सही बात, शास्त्र का हम सही बात आपको बताएंगे। हाँ देखो अगर हम 50 साल के बाद में 51 52 अगर हम वन में नहीं जा सकते, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं, लेकिन कम से कम अपना घर को तो वृंदावन बनाओ, कम से कम अपना घर में तो वृंदावन बनाओ, मतलब घर में तो प्रभु का भजन करो, थोड़ा गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, प्रभु का नाम करो, ठाकुर को। ऐसे नहीं बूढ़ा बूढ़ी हो गए सारे, सब बड़े बूढ़े बैठ करके ताश खेलने लगे, कैरम बोर्ड खुद खेलने लगे, हैं वहां पर गप्पे मारने लगे, सारा दुनिया की अंट संट बात। अरे ये तो काम मत किया करो, कम से कम अपना घर में तो बैठ करके थोड़ी भजन करो, माला जप करो, इतना तो कम से कम करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए कि नहीं? हाँ कम से कम अपना घर को। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर हम अपना घर में भी भजन करें, हमारा घर भी वृंदावन हो जाएगा, हमारे घर में भी वृंदावन हो जाएगी। जहां प्रभु का भजन करो, ठाकुर का कीर्तन भजन हो, वही स्थान ही वृंदावन बन जाती है। इसलिए कोशिश करना अपना घर को ही वृंदावन धाम का स्वरूप रखो। हाँ जब थोड़ी समय मिलता है आओ वृंदावन में, ठाकुर का दर्शन करो, संतों का संग करो, कुछ सत्संग सुनो, जिससे हमारी आत्मा को कल्याण हो। इसलिए श्री परिजन बाबा की उम्र जब 50 साल हो गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना 5 बेटे को बुलाया, बोले देखो बच्चों मेरा उम्र 50 साल हो गया, अभी हमें घर में नहीं रहनी चाहिए, अभी हमारा आत्मा कल्याण का रास्ता देखनी चाहिए। बोले सबसे जो बड़ा बेटा है उसको मैं राज सिंहासन में बैठना चाहता हूँ,
लेकिन बड़ा बेटा ने कहा, पिताजी ये जो मझला बेटा जो नंद है, राजा बनने का सारे गुण इस पर है, अब इनको ही राज सिंहासन में बैठा। सारे प्रजा प्रसन्न हो गए, नंद बाबा को राज सिंहासन में बैठाए और परिजन बाबा भजन के लिए पत्नी को लेकर के दोनों चले गए, वानप्रस्थ में दोनों चले गए। अभी चार भाइयों का बच्चा है, लेकिन केवल श्री नंद बाबा का घर में कोई बच्चा नहीं। उन्होंने बहुत तपस्या की, उन्होंने आशीश्वर महादेव की पूजा की, तीर्थाटन की, बहुत कुछ तपस्या की, घर में एक बेटा की जन्म हो जाए जो भविष्य में ये राज सिंहासन को संभाले। एक दिन क्या हुआ, ब्रज में कुछ संतों का टोली आई और संतों ने नंद बाबा को बोले, नंद बाबा जो ना करे लकीरी और सो करे फकीरी, मतलब है अगर तुम्हारी भाग्य में कोई चीज है नहीं, अगर सचमुच से कोई साधु है आपको आशीर्वाद दे देता है ना, उनका आशीर्वाद बड़ा फलता फूलता है, संत सेवा की बड़ी महत्व है। हाँ देखो, आपको दशम स्कंध की कथा सुनाता हूँ। हमारे भैरव प्रभु जी ने जो भागवत कथा, निर्मला देवी ने जो भागवत कथा कर, इस कथा को सुनो ध्यान से, कितने इसकी पुण्य भागवत कथा की, और ये भागवत दान का कितना पुण्य, ये दशम स्कंध की कथा है, अब मन लगा कर सुनो, सोना निकली। एक दिन कृष्ण का बच्चे लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते हठात तो उन्होंने देखा एक कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ और वो टस से मस भी नहीं हो पा रहा था, श्वास भी ले नहीं पा रहा था। इतने में उन्होंने कोशिश किया उसको निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाया। उन्होंने कृष्ण को बुलाया, बोले पिताजी एक बहुत बड़ा गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है, कृष्ण सब जानते हैं। उन्होंने अपना चरण को बढ़ाया और चरण को स्पर्श करने का साथ साथ वो गिरगिटी एक सुंदर देवता रूप धारण किया, अद्भुत देवता। बच्चे लोग आश्चर्य में पड़ गए, भैया ये गिरगिट बना था, ये देवता कैसे बना। कृष्ण ने पूछा अपना बच्चों को सिखा देने के लिए, भैया तुम कौन हो। बोले प्रभु आप तो घटघट वासी, आप तो सब जानते हो, जब आप पूछ रहे हो मैं बता रहा हूं, ये जो लीला है ये द्वापर युग का अंतिम लीला है। बोले आपने सुने होंगे सत्य युग में एक मृग नाम के एक राजा थे। बोले हाँ। बोले ये देखो ये चीज को अच्छे तरह से सुना। बोले ये तो पृथ्वी का सबसे बड़े दानी है, कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकता है, बारिश को बूंद को कोई गिन सकता है, लेकिन इनके दान को कोई नहीं गिन सकते। उन्होंने क्या दान किया है, बोले जो गैया केवल एक बछड़ा जन्म दिया हो, दुधार जो गैया पीठ को ऊपर में मखमल कपड़े को ओढ़ करके, सींग को सोने में मढ़वा करके, खूर को चांदी में मढ़वा करके, उन्होंने इतने गैया दान दिया। बोले फिर इनके ये दुर्गति क्यों हुई। बोले भूल से क्या हुआ, जो गैया उन्होंने एक ब्राह्मण को दान दिया था संकल्प करके, वो गैया कैसे भागते हुए आया और दूसरे गैया को अंदर में मिल गया, राजा को पता ही नहीं चला। उनने दूसरे दिन फिर उसी गैया को संकल्प करके दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। पहला दिन जिसको दिया था वो ढूंढते ढूंढता आ रहा था और ये ब्राह्मण गैया को लेकर के जा रहा था, दोनों रास्ता में मिले। पहला वाले ब्राह्मण बोला ये गैया मेरी। बोले तेरी कैसे, राजा अभी मुझे दिया। बोले नहीं, राजा कल मेरे को दिए थे। बोले राजा अभी मुझे दिया। और मेरे तेरे करते करते दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों गैया लेकर के आए। राजा देकर के तो कांप उठे, क्यों, जिस गैया को आप एक बार संकल्प करके दे दिया उसको दो बार आप देने का कोई अधिकार नहीं, फिर दो बार दे दिया पाप लगा। दोनों ब्राह्मण के चरण में गिर पड़े, मेरे पाप माफ कर दो, इसकी विनिमय में मैं 10 गैया दे देता हूँ, एक छोड़ दो। लेकिन वो बात में अड़ गए थे, बोले हमें यही गैया चाहिए। बोले 100 देता हूँ, बोले नहीं। बोले 1,00,000 देता हूँ, बोले नहीं। बोले 1,00,00,000 देता हूँ, बोले नहीं, हमें यही गैया चाहिए। दोनों बिगड़ गए, अभिशाप दिए। ओ गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, तेरे को गिरगिट जन्म में जाना पड़ेगा। दोनों छोड़कर चले गए। जब राजा की मृत्यु हुई, जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, कापी खोले, बोले महाराज इनकी इतने पुण्य हैं जो सोच भी नहीं सकता, अक्षय स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इनका एक पाप भी हुआ, ये पाप हो गए। जब महाराज बोले बताओ पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे,
बोले जब पाप थोड़ी सी पाप भी दे तो पुण्य तो भोगूंगा। बस गिरगिट होकर गिरा। बोले कब से? ये सत्य युग से। बोले अभी कौन सा युग है? बोले द्वाबर युग है। बोले कितना साल हो गया? बोले करोड़ों साल हो गया गिरगिट बनकर पड़ा हुआ। अभी प्रश्न है फिर इनको कृष्ण दर्शन कैसे हुई और कृष्ण का चरण की स्पर्श कैसे मुक्ति कैसे मिली? देखो ये चीज को थोड़ी सी अच्छे तरह से सुनो, एक अच्छी बात मैं बता रहा हूं, अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो। एक होता है पाप है और एक होता है पुण्य और तीसरी चीज होते हैं सुकृति। ये तीन चीज में थोड़ा अंतर को समझो, आप बहुत अच्छी चीज को समझ जाओगे। अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो, नहीं तो भटकते रहोगे संसार में। पाप उसे कहते हैं वेद विरुद्ध धर्म को पाप कहते हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना, सिगरेट फूंकना, चोरी करना, परस्त्रियों के प्रति बुराई भावना रखना है और बेईमानी करना, ये सब चोरी, ये सब पाप है। बोले ये पाप का फल क्या है? बोले नरक। बोले नरक में कब तक रहोगे? बोले जब तक तुम्हारी पाप समाप्त नहीं हो जाए। फिर जब पाप समाप्ति होगा फिर कहाँ आओगे? फिर यही आओगे। पुण्य क्या है? जैसे स्कूल कॉलेज खोलना, दखी दुखी दरिद्र की सेवा करना है, दवा खाना खोलना, भूखे को खाना खिलाना, ये होता है पुण्य। बोले इसका फल क्या है? बोले स्वर्ग है। बोले कब तक स्वर्ग में रहोगे? बोले जब तक तुम्हारी पुण्य समाप्त नहीं हो जाता है। फिर क्या करोगे? फिर इसी संसार में आओगे, फिर यही आना पड़ेगा तुम्हें। हाँ देखो, इससे और एक चीज है जिसको कहते हैं सुकृति, यही चीज को समझो। कहते सुकृति क्या? कहते ये जो दो चीज है वो ये शरीर संबंधी वस्तु है। जैसे शरीर नष्ट हो जाती है ये दोनों चीज भी नष्ट हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर और एक चीज है जिसको कहते सुकृति। बोले भैया ये क्या चीज है? बोले जो ये आत्मा संबंध जो चीज है, ये आत्मा संबंध और भगवत संबंध जो चीज, जैसे यहाँ कथा सुना रहे हैं, ये किसकी खुराक है? आत्मा की, आत्मा की। जैसे तुलसी परिक्रमा कर रहे हो, ठाकुर जी का नाम ले रहे हो, किसी साधु को सेवा कर दिए हैं, जैसे कहीं किसी धाम में गए, गंगा में नहाया, कभी ये आत्मा संबंधी है। ये आत्मा जैसे नित्य शाश्वत अजर अमर है, ये वस्तु भी नित्य और अजर अमर है। जो भगवान की भक्त और भगवान का संबंध जो वस्तु है इसको कहते हैं सुकृति। कहते ये कभी भी नष्ट नहीं होता, ये कभी नष्ट नहीं होगा। आत्मा जैसे नित्य है, परमात्मा जैसे सत्य, ये दोनों वस्तु भी नित्य है। बोले भैया इसका फल क्या है? बोले इसका फल है जीवन में अंतिम समय में फिर भगवत भक्तों का दर्शन होता है। फिर भगवत भक्त दर्शन में जीव प्रभु की भक्ति करते करते, बोले इसका फल क्या? बोले गोलोक वृंदावन। इसका फल क्या है? ये गोलोक वृंदावन है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जहां जीव एक बार जाने पर वहां से दोबारा इसी संसार में आना नहीं पड़ता है। हाँ देखो अभी प्रश्न आता है, ये ब्राह्मण तो पुण्य क्या था, फिर इनको कृष्ण दर्शन कैसे मिला? देखो ये भागवत कथा की क्या महत्व है। कहते ये राजा का अंदर में जो वृत्ति था, सेवा करना वृत्ति था, एक दिन इसकी दरबार में सचमुच से कोई भगवान की कोई अच्छे भक्त आए, सचमुच से कृष्ण की कोई असली कोई भक्त आए, इनकी स्वभाव था सेवा करना। तब उन्होंने एक दिन संतों को